Good morning, children. How are you all? Hope y'all might be studying well at home. might be safe and you might be taking all the precautions to keep y'all safe. Children, today, anyways, we are going to move on with chapter 5. That is our food. We have already read about what is food, how and from where do we get energy? What are nutrients?

डू यूल नो दैट मिनरल्स ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्राम डिजीजेज ये हमारी मदद करते हैं बोन्स ब्लड सेल्स एंड टीथ के ग्रोथ में सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स आ कैलशियम सोडियम आयरन जिंक एंड पोटैशियम दे टू आ नीडेड इन स्मॉल क्वान्टिटीज इन आ बॉडी बट अगर इनकी अगर डेफिशेंसी हो जाए तो हमें कई प्रकार की बीमारियाँ होने का डर रहता है यह खतरा हो जाता है यू कैन से ओके वी गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क आयरन फ्रॉम स्पिनेच सोडियम फ्रॉम सॉल्ट वी गेट पोटेशियम फ्रॉम बनानाज एंड जिंक फ्रॉम किडनी बीन्स किडनी बीन्स मींस चिल्ड्रेन क्या होता है किडनी बीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज राजमा इन हिंदी मम्मी बनाती होंगी आपके घर पर यस नाउ द नेक्स्ट इज रफेज और यू कैन से एज फाइबर ये न्यूट्रिएंट तो नहीं होता है बट इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ फूड जो हम खाते हैं ना उनका सारा हिस्सा जो होता है हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं रफेज उन्हीं वेस्ट को हमारे बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है हमारी लेकिन अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें क्या क्या डिजीजेज होने का खतरा रहता है कॉन्स्टिपेशन वेट गेन इस टाइप के डिजीजेस होने का खतरा रहता है ओके सो समूड द फूड विच आर रिच इन रफेज कैबेज स्ट्रॉबेरीज कॉर्स लेटियस एंड ऑरेंजेस इस टाइप के और भी बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं विच आर रिच इन रफेज चिल्ड्रेन सो वी शुड ऑलवेज कीप सच फूड इन आर डाइट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वॉटर वाटर मतलब पानी इट इज नॉट अ न्यूट्रिएंट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ अर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर चिल्ड्रन हमारा बॉडी जो है वो वाटर लूज भी करता है अगर हम इनटेक करते हैं ना तो वो बॉडर बॉडी से वाटर लूज भी करता है जब हम स्वेट करते हैं यूरिन पास करते हैं ब्रीद आउट करते हैं और यू कैन से व्हेन वी स्नीज आल्सो जब हम स्नीज भी करते हैं ना आपने देखा होगा हमारे माउथ से बहुत कुछ ड्रॉप्स uh, जो है वाटर के वो आउट होते हैं निकलते हैं बाहर ओके सो वी नीड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे ओके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंड डाइट चिल्ड्रेन वॉट इज बैलेंस डाइट क्या होता है हमारे डाइट में जब सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में रहते हैं ना

ओके सो वी शुड ऑलवेज एवॉइड दैम और बहुत सारे पता है आप लोगों को वो हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं इन जंक फूड्स के अंदर जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं नो डाउट दे आर वेरी टेस्टी बट वो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं सो वी शुड ऑलवेज एवॉइड सो विच आर द जंक फूड्स योर फेवरेट वंस पिज्जा चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स फ्रेंच फ्राइज

खाने के लिए ज़रूरत होती है हमारी कुक करने से क्या होता है कुक करके खाने से देर आर सम फूड विच बिकम्स वेरी टेस्टी एंड सॉफ्ट अगर हम उन्हें कुक कर देते हैं ना तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं उसमें कुछ इन्ग्रीडियंट्स और ऐड कर देते हैं कुछ मसाले और ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है वो टेस्टी हो जाता है ओके लाइक वेन यू प्रिपेयर वेजिटेबल्स मम्मी आपकी जो वेजिटेबल्स प्रिपेयर करती हैं अगर ऐसी सिंपल वेजिटेबल को पानी में बॉइल करके आपको फ्राई करके दे दें तो क्या वो टेस्टी लगेंगे नहीं बट वेन शी एड्स सम इन्ग्रीडियंट्स लाइक यू कैन से सम मसाले जो कहते हैं ना वो जब ऐड करती हैं उस वेजिटेबल में तो फूड क्या हो जाता है और टेस्टी हो जाता है हो जाता है ना कुक करने से सो so, कुछ ऐसे फूड हैं जब तक हम उन्हें कुक नहीं करते उनका ओरिजिनल टेस्ट या फिर वो सॉफ़्ट नहीं होते है. और अगर ये सॉफ़्ट नहीं होते हैं तो हमारे डाइजेशन में हमें हेल्प नहीं करते हैं So, और कुकिंग फूड ऑल्सो किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन इट चिल्ड्रेन ओके ना मैथड्स ऑफ कुकिंग कुकिंग के भी कुछ कुछ मेथड्स होते हैं द फर्स्ट इज सम फूड आइटम्स आर बॉइल्ड इन वाटर और स्टीम कौन कौन से फूड आइटम्स हैं लाइक राइस इडलीज पाल्स एग्स इन सबको हम लोग बॉयल करके या स्टीम करके खाते हैं ना सम फूड आइटम्स दे आर डीप फ्राइड इन ऑयल कौन कौन से हैं डोसा पराठाज उत्तपम ऑमलेट्स इन सब को क्या करते हैं हम शैलो फ्राई करते हैं ऑयल में या फिर घी में चल रहे ओके नौ समर डीप फ्राई इन ऑयल कुछ ऐसे फूड हैं जिन्हें हम डीप फ्राई करते हैं लाइक like पकोड़ास पूड़ी समोसाज योर फेवरेट वंस जलेबीज भटूराज ये सब डीप फ्राई करके हम खाते हैं एंड द नेक्स्ट वन फोर्थ वन सम फूड आर रोस्टेड ओवर अ फायर फायर पे हम उन्हें रोस्ट करके खाते हैं लाइक like चपाती कॉर्न मीट या फिर पापड़ ये सबको क्या करते हैं हम लोग फायर पे रोस्ट करके खाते हैं ओके नाउ नेक्स्ट कम्स द लास्ट वन इज एक और मेथड होता है कुकिंग का योर फेवरेट वन दैट इज थ्रू बेकिंग चिल्ड्रेन समेड इन एन अवन कौन कौन से फूड लाइक केक बिस्किट पिज्जा माफेंस ये सब क्या करते हैं हम लोग अवन में बेक करके खाते हैं ओके नाउ थिंग्स टू रिमेंबर वाइल्ड कुकिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुक करते वक्त हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना चाहिए हमेशा फर्स्ट वी शुड नॉट ओवर कुक बहुत ज़्यादा फूड को कुक नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा पानी डाल के सब्जी को नहीं पकाना चाहिए क्या होता है उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिय जो हमारे फूड में है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फ़ूड को हमें हमेशा ढक कर पकाना चाहिए कुछ फूड ऐसे होते हैं अगर हम उन्हें खोल कर पकाएंगे बिना ढके पकाएंगे तो क्या होंगे उनके सारे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो होते हैं ना वो वेपर के साथ निकल जाते हैं न फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनको हमें खाने से पहले या काटने से पहले हमेशा अच्छे से धो लेना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे फूड होते हैं ना फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं जिन्हें हम काटने के बाद नहीं धो सकते हैं लाइक like वाटरमेलन क्या हम वाटरमेलन को काट के धो सकते हैं नो इट इज़ नॉट पॉसिबल लेडीज़ फिंगर इसे भी हम लोग आ, आ, काट के नहीं वॉश कर सकते हैं ओके सो वी शुड ऑलवेज वॉश देम नाउ आफ्टर बॉइलिंग वेजिटेबल्स जो वाटर रिमेन हो जाता है ना बच जाता है ना उसे हमें सूप या ग्रेवी के रूप में भी यूज़ करना चाहिए सिमिलरली उसी तरह बॉइलिंग राइस जो रहता है ना पल्सेस जो रहता है उससे जो पानी बच जाता है ना वो भी हमें हमारे कुकिंग में हेल्प करता है चिल्ड्रेन ओके okay? जब हम कुक करते हैं किसी भी और फूड को हम जब कुक करेंगे उस वक्त भी वो हमारा हेल्प करता है फूड को और ज़्यादा टेस्टी बनाने में ओके सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ़ दिस चैप्टर इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड चिल्ड्रेन फूड का प्रिजर्वेशन क्या होता है इसका मीनिंग जब हम किसी फूड आइटम्स को प्रिजर्व करके रखते हैं बचा कर रखते हैं खराब होने से ताकि हम फ्यूचर में उसे यूज़ कर सकें दैट इज़ नोन एज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड चिल्ड्रेन कुछ फूड uh, होता है ना हमारा अगर हम लाइक एग्जाम्पल मिल्क यू कैन से मिल्क हम लिए उसे बॉयल किए और इनटेक किए बट सारे मिल्क को तो हम एक साथ इनटेक नहीं कर पाते हैं तो अगर हम उन्हें ऐसे ही किचन में रख दें तो क्या होता है समझ में स्पेशली दूध हमारी फट जाती है वेस्ट हो जाता है वेजिटेबल्स जो कुक्ड वेजिटेबल्स हैं या अनकुक्ड वेजिटेबल्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं सड़ जाते हैं स्टेल हो जाते हैं सो व्हाट वी शुड व्हाट डू वी यूज वी यूज रेफ्रिजरेशन फॉर इट, फॉर इट और भी ऐसे बहुत सारे मैनी वेज आदे फॉर प्रिजर्विंग फूड चिल्ड्रेन फर्स्ट इज रेफ्रिजरेशन सेकेंड इज कैनिंग थर्ड इज़ पिकलिंग फोर्थ इज बॉइलिंग ड्राइंग एंड पैस्चुराइजेशन ओके लाइक यू कैन गेट मिल्क आपको मिल्क मिलता है ना अमूल मिल्क अमूल दूध मिलता है ना वो आपको कैंस में लॉक रहता है कैंस में पैकेट्स में दैट इज नोन एज पैस्चराइजेशन ओके और कुछ ऐसे फूड होते हैं जिन्हें हम uh, पैकेट्स में करके डी uh, फ्रीजर में डाल देते हैं क्यों ताकि जर्म्स जो उसमें ग्रो होंगे ना मॉइस्चर से वो ना ग्रो हो पाए लाइक दैट ओनली मिल्क मिल्क को अगर हम ऐसे ही कच्चा मिल्क रख देते हैं तो वो फट जाता है लेकिन अगर हम उसे बॉयल कर देते हैं तो वो बच जाता है पीने के लायक रह जाता है नाउ पिकल्स कुछ वेजिटेबल्स होते हैं ना जिन्हें हम अगर ऐसे ही फ्रिज में भी रख देंगे तो कितने दिन तक एक लिमिट तक वो सही रहेगा उसके बाद तो वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा इसलिए हम उन्हें पिकल्स के रूप में स्टोर करके भी रखते हैं और रेफ्रिजरेशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेंड यू एंड कैनिंग चिल्ड्रेन आप मार्केट में जाओगे ना पीज यानी मटर जो होते हैं ना वो आपको कैंस में प्रोवाइड किए जाते हैं मिलते होंगे उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव केमिकल्स रखकर उन्हें प्रिजर्व भी किया जाता है सो दिस वोन एज कैनिंग चिल्ड्रेन ओके आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल येस इट्स क्लियर थैंक यू